स्वागत है आपका HTML 1 मिनट सीरीज के 5th पार्ट में। दोस्तों, HTML में हेडिंग्स क्या होते हैं? जैसे हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा H1 टैग, वैसे ही और भी हेडिंग टैग्स हैं, जो कि हैं H2, H3, H4, H5 और H6। HTML के हेडिंग्स पेज के टाइटल और सबटाइटल होते हैं। H1 मेन टाइटल को डिफाइन करता है, H2 से H6 तक सबटाइटल्स को डिफाइन करते हैं। इसलिए HTML में बाय डिफॉल्ट H1 टैग का फॉन्ट बड़ा होता है और H2 का उससे छोटा, ऐसे ही H3 फिर H4, H5 और सबसे छोटा फॉन्ट हेडिंग के लिए होता है H6 का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे वेब पेज पर एक आर्टिकल है, तो मैं उसके मेन टाइटल को H1 के अंदर डालूंगा, क्योंकि H1 मेन टाइटल को डिफाइन करेगा। तो H1 व्हाट इज ए ब्लॉग, फिर H1 क्लोज, तो ये मेरे आर्टिकल का टाइटल हुआ। फिर इस आर्टिकल में मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा पैराग्राफ टैग के अंदर, जैसे ब्लॉक का डेफिनेशन एक्सेट्रा। फिर इस आर्टिकल में सब टाइटल्स हो सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ ब्लॉग, तो इसे मैं H2 में डालूंगा। ऐसे ही अगर और सब टाइटल्स हैं तो उन्हें H3 में डालूंगा, या फिर और होंगे तो H4 एक्सेट्रा। समझ आया ना? हेडिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सर्च इंजिन्स हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं आपके वेब पेजेस के स्ट्रक्चर और कॉन्टेंट को इंडेक्स करने के लिए, तो ये SEO के लिए बहुत जरूरी है। हेडिंग्स के डिफॉल्ट फॉन्ट को आप बदल सकते हो CSS के जरिए, जैसे इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट देकर। लेकिन एलिमेंट्स के अंदर इनलाइन एट्रीब्यूट जो होते हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो 1 मिनट पूरा हुआ, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही सब्सक्राइब कर लिया है ना, धन्यवाद।